Welcome back to the channel, guys. You are watching Info Arun Vlogs. So guys, आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर पे। जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, तो ये जो है एक गज़ब की चीज़ है। उसके बारे में हम डेफिनेटली मिस्टर गौरव से जानेंगे बहुत जल्द कि इसमें कितनी बैटरी है, क्या किस तरह से चलता है, क्या इसके फंक्शंस हैं, उसके बारे में डिटेल में हम मिस्टर गौरव से जानेंगे। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर गौरव। थैंक यू अरुण, आप हमेशा हमारी नई चीज़ों को ध्यान में रख करके अपने व्यूज़ को दिखाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट, आपके सपोर्ट के लिए। सो दिस इज़ अ प्रोडक्ट विच वर्ल्ड ओवर इज़ नोन एज PTV, पर्सनल ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस पे इमीडिएटली कहीं पे अपने आप को ट्रांसपोर्ट करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है, तो वहाँ पर आजकल ये प्रोडक्ट काफ़ी फेमस है, काफ़ी एक्सेप्टेबल है। इसे सेगवे नाम की एक कंपनी ने इनिशियली आज से तकरीबन 20 साल पहले इसे डेवलप किया था, और तब से कंसेप्ट बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और इसकी एक चाहत बनी रही लोगों में। इंडिया में वो प्रोडक्ट इतना नहीं आया उस पर्टिकुलर ब्रांड का, और अब शायद उस कंपनी ने कुछ और नए प्रोडक्ट्स और कुछ अलग तरह के प्रोडक्ट्स डेवलप कर लिए हैं। बट दो पहिए के अंदर सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर इंडिया के अंदर पहली बार फ्रीगो कंपनी बॉम्बे की है, जिनके हम पार्टनर्स हैं, मार्केटिंग पार्टनर्स हैं दिल्ली NCR के लिए। तो हम लोगों ने अब ये दिल्ली NCR में इसको इंट्रोड्यूस किया है। यू आर द ओनली वन इन दिल्ली NCR जो फ्रीगो में डील कर रहे हैं, इस ब्रांड में डील कर रहे हैं। जी हाँ। तो डेफिनेटली गाइज, इसकी पूरी डिटेल हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, A to Z क्या फीचर्स हैं, क्या कुछ है। सो आपको दिखाते हैं एक झलक, आप देखिए कि किस तरह का जो है इसका राइडिंग एक्सपीरियंस, और कुछ इसके सिनेमैटिक शॉट देखिए, एंड देन बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। सिनेमैटिक शॉट्स आपने देख लिए होंगे, अंदाज़ा लग गया होगा कि क्या ज़बरदस्त जो है ये आपको एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर व्हीकल जैसे बोल सकते हैं, सेल्फ बैलेंसिंग पर्सनल स्कूटर, जिसमें बैलेंस बनाना मतलब बहुत इजी है। आपको लगेगा कि इसमें बैलेंसिंग बनाना बहुत चैलेंज है, बट एग्जैक्टली जब आप इसको राइड करेंगे, जिस हिसाब से मनन इसको ड्राइव कर रहे थे, तो मुझे तो लग रहा है कि वो बहुत ईजी है। हम डेफिनेटली उसको चलाकर भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम इसकी स्पेसिफिकेशन जानना चाहेंगे। तो ये 48 वोल्ट्स की बैटरी के साथ दो पहियों के ऊपर चलने वाला गायरोस्कोप, इलेक्ट्रिक गायरोस्कोप के साथ सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर है। सो इलेक्ट्रिकल इसके अंदर एक सेल्फ बैलेंसिंग मैकेनिज्म है, गायरोस्कोप जिसे कहते हैं, जो आपकी घड़ियों और फोन्स में भी होता है। इसके अंदर कुछ बड़े साइज़ का है, जो कि इसको इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस करके अपने आप दो पहियों पे बिल्कुल सीधा रखता है, आपको बैलेंसिंग में हेल्प करता है। जी, 48 वोल्ट्स की बैटरी जैसे मैंने कहा, तकरीबन 4 से 5 घंटे के अंदर पूरी चार्ज हो जाती है, और 30 से 35 किलोमीटर की रेंज आप इसमें आपको मिल जाती है, और आपको मैक्सिमम 18 से 20 किलोमीटर की स्पीड भी मिल जाती है, आपको संभालना आना चाहिए। इसकी बेसिक स्पेसिफिकेशंस यही हैं, और इसमें 4 मॉडल्स हैं बेसिकली, पर्सनल मॉडल जो आप अभी देख रहे हैं, एक गोल्फर्स मॉडल है जो कि पर्टिकुलरली गोल्फिंग के लोगों के लिए, गोल्फिंग जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए है, एक पेट्रोलर वर्जन है जो कि पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए है, और एक और इसमें नॉर्मल वर्जन है जो हम स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट्स में या कॉर्पोरेट के वेयर हाउसेज में जो लोग लेकर के जाना चाहें उनको हम ये चीज़ सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली जो पर्सनल पर्पज़ के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, एंड मैं आपको एक बार थोड़ा सा पास से दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरह की इसकी की होती है जहाँ से इसे आप कंट्रोल करते हैं। तो सर थोड़ा सा बताइए कंट्रोल क्या है। अलग अलग फंक्शंस हैं, इसको एक्टिवेट करना, इसको डीएक्टिवेट करना, इसकी लाइट्स को
ऑन या ऑफ करना है। अगर आप नीचे की तरफ देखें जी, इसमें ये रात के अंधेरे में अगर थोड़ा सा आपको रोशनी साथ में चाहिए तो उसमें असिस्ट करेगा। पीछे ब्रेक लाइट्स हैं एंड यहाँ पर जो ये एडिशनल एसेसरी, ये एडिशनल एसेसरी है, एक बैग एडिशनल एसेसरी है, एक लाइट एडिशनल एसेसरी है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग इज लाइक अ स्टैंडर्ड मेड। और थोड़े से अगर वेट की बात करें तो कितना केजी का इसमें अप्रॉक्स वेट होगा? इस आइटम का अपना जो पर्टिकुलर वेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 और 55 किलो के बीच में है। मेन वेट जो उसमें बेसिकली जैसे मैंने बताया कि 48 वोल्ट की इसमें लेड एसिड बैटरी है जी, तो उसकी वजह से है। ऑफ कोर्स उसके साथ में मोटर और आप इतने इसके शानदार बड़े पहिए भी देख सकते हैं। एग्जैक्टली मैं वही चीज़ देख रहा था कि इसके जो आप व्हील्स देखेंगे काफ़ी जो कहते हैं ना अलॉयज व्हील्स हैं आपके और काफ़ी ब्रॉड टायर्स हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको आप यहाँ से जो है डिटैच कर सकते हैं, मतलब यहाँ से इनकेस अगर आप इसको कहीं लेके जाना चाहते हैं, जैसे अभी हम भी इसको जो है गाड़ी में लेके आए हैं तो हमने इस वाले पोर्शन को जो है हटा दिया था। यहाँ से सिर्फ आपको जो है एलन की से जो है उनको सिर्फ खोलना होता है एंड यहाँ से ये वाला पार्ट आपका जो है अलग हो जाता है। इसके बाद आप जो है इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं जी। तो अगर बैटरी की लाइफ बात करें मिस्टर गौरव, तो कितनी लाइफ है बैटरी की? मतलब हम लोग मान के चलते हैं कि लेड एसिड बैटरीज जैसे गाड़ी में भी डलती हैं जी, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 साल की उनकी लाइफ रहती है जी। और उसके बाद अगर चेंज करना चाहें तो इट इज़ नॉट अ वेरी हाई कॉस्ट, बहुत नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर बैटरी रिप्लेसमेंट भी आराम से मिल जाती है। ओके सो गाइज, इस तरह की आपको कुछ जो है सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर कह सकते हैं, कुछ इस तरह का आपको डायमेंशंस देख रहे हैं, काफ़ी इजी टू यूज़ है। डेफिनेटली अभी मैं चला के देखने वाला हूँ, मुझे नहीं पता मुझसे कितना बैलेंस होगा बट आई विल डेफिनेटली ट्राई। तो चलिए गाइस पहले इसको ट्राई करते हैं एंड देन विल टॉक अबाउट द प्राइस एंड ऑल दैट। वेज इस पर जो है आप जो है जैसे ही आप अपना बैलेंस बना लेंगे, जो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग है बट वंस यू गेट यूज टू इफ इट तो वो हो जाएगा। तो आप जैसे इस पर अपना बैलेंस बनाते हैं, इसके बाद आपको जो पोजीशन रखनी होती है, आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना होता है एंड अगर आप थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्ट करेंगे तो ये आगे की तरफ चलने लग जाएगा। जैसे ही मैं इसको पीछे की तरफ करूँगा तो ये पीछे की तरफ चलने लग जाएगा एंड बाकी इस वाले जो आपका हैंडल है इससे आप जो है टर्न राइट लेफ्ट जो है कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं अगर थोड़ा सा बुरी ड्राइव करूँ तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। सो मैं इसको सिर्फ आगे की तरफ थोड़ा सा टिल्ट कर रहा हूँ तो इट इज़ गोइंग फॉरवर्ड। अब मैं जैसे ही इसको यहाँ पर रोक लेता हूँ तो यहाँ पर आपके ब्रेक लग जाएंगे एंड इसी को अगर मैं बैकवर्ड की तरफ चलूँगा, यानी मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ आऊँगा तो ये बैक। सो गाइस इस तरह का रहता है, मतलब थोड़ा सा शुरू में एक दो बार चैलेंज आएगा बट आप जो है इसको यूज टू हो जाएंगे। तो हाँ ओके, इसमें इस तरह से जो है मूवमेंट रहेगी कुछ तो ठीक है, मतलब थोड़ा सा चैलेंजिंग है बट हो जाएगा। तो लेट्स सी, एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं। सो यहाँ से आप जो है राइट लेफ्ट कर सकते हैं एंड मैं थोड़ा सा इसको पिकअप करता हूँ, आई होप ठीक ठाक चले। ओके या ठीक है, आई कैन, चलने में बहुत स्मूथ है एंड लेट्स टेक अ टर्न। तो कुछ इस तरह से आप टर्न ले सकते हैं। सो नो डाउट गाइस, मतलब एक अमेजिंग चीज़ है, एक समथिंग न्यू। तो अब मैं इसको रोक देता हूँ यहाँ पर एंड आई जस्ट स्टेप अवे। आपने जो एक्चुअली एक बहुत अच्छा इसका फीचर खुद ही दिखा दिया जी, कि खड़े खड़े आप इसको एक्चुअली 360 डिग्री टर्न कर सकते हैं, खड़े खड़े, यू डोंट इवन नीड एनी स्पेस। सो सी द फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब यू डोंट नीड मच स्पेस टू ड्राइव। टर्न लेने के लिए भी कोई ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, आप खड़े खड़े से जो है टर्न भी कर सकते हैं। सो अमेजिंग फीचर का है, मतलब आपको सिर्फ 2-3 बार इसको एक्चुअल में चलाने की ज़रूरत है एंड डेफिनेटली बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। सो डेफिनेटली गाइस काफ़ी एक अच्छी चीज़ है कि आपका इस तरह का इसका आपको स्टैंड मिलेगा, यानी जब आप इसे ड्राइव नहीं कर रहे हैं तो आप इसे साइड स्टैंड पर इस तरह से रख सकते हैं। सो मिस्टर गौरव, ये तो बात हुई इसके फीचर्स की, स्पेसिफिकेशन की और राइडिंग एक्सपीरियंस की। अब बात करते हैं अगर इंडियन मार्केट में या अगर दिल्ली NCR में कोई इसे परचेज करना चाहता है तो क्या प्राइस उसका जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए प्राइस मैं इसमें ये कहूँगा कि एक अच्छे टू व्हीलर के लिए आप जो प्राइस पे करते हैं जी, क्योंकि ये भी एक टू व्हीलर है विद एडिशनल फीचर ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग। एग्जैक्टली, सो यस इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इन सिमिलर प्राइस रेंज, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए के आसपास इसमें चारों मॉडल्स जो इसके आते हैं जी वो लगभग इस प्राइस पे हैं।
but we always have some corporate deals, we always have some special prizes for specific agencies which we can work out as and when the requirement comes. So main maan ke chalu is particular variant ka jo price hai approximately 1 lakh rupees. Yes, it is close to 1 lakh rupees. And definitely guys, ye main meri pehli videos mein bhi jab bhi hum urban e-cycles pe shoot karte hain तो ये मैं पहले भी कहता हूँ और ये अभी भी कहूँगा कि आप मेरे चैनल के रेफरेंस से आएंगे, मिस्टर गौरव आपको डेफिनेटली एक जो है अच्छा डिस्काउंट देंगे एंड डील करेक्ट प्राइस आपको जो है ज़रूर मिलेगा, जो भी बेस्ट प्राइस होगा वो आपको देंगे अगर आप मेरे चैनल के थ्रू आएंगे। बाकी आप देख सकते हैं, डिटेल्स की अगर बात करें तो कीर्ति नगर में शोरूम है, मंडे टू सैटरडे हम लोग ओपन है, राइट। अगर संडे को आते हैं तो प्लीज़ आप कॉल करके इनसे एक बार बात कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है अगर पॉसिबल होगा तो डेफिनेटली दे विल अरेंज समथिंग फॉर यू। इस तरह का एक फ्रीगो का जो कि एक टू व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटर कह सकते हैं सेल्फ बैलेंसिंग के साथ आपको मिलने वाला है, एंड बिलीव मी गाइस दिस इज़ एन अपकमिंग, अभी बहुत और भी जो मॉडल्स आएंगे उसके लिए भी हम डेफिनेटली यहाँ पर आके दोबारा शूट करते रहेंगे, बट अभी के लिए दे हैव जस्ट इंट्रोड्यूस विद दिस व्हीकल फर्स्ट, तो दे जस्ट वॉन्ट द रिस्पॉन्स कि किस तरह का रिस्पॉन्स मार्केट से मिलता है, देन उसके अकॉर्डिंग जो है ये बाकी मॉडल्स को भी मे बी अपने शोरूम में लेके आएंगे। हम लोगों को ऑलरेडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है फ्रॉम सिक्योरिटी एजेंसीज, फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट्स, फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म कंपनीज जी। सो वो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं राइट जो इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से इसको यूज़ भी कर रहे हैं ऑलरेडी। अगर मैं सिर्फ एक रेफरेंस के पॉइंट से कहूँ तो वेस्ट और साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स के सिटीज़ के पुलिस डिपार्टमेंट्स, अहमदाबाद, मुंबई, नागपुर पुलिस, राइट, दे आर ऑलरेडी यूजिंग दिस फॉर देयर बीट ऑफिसर्स। रेलवे पुलिस इज़ यूजिंग एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन फॉर डूइंग बीट एट द मेन रेलवे, अहमदाबाद मेन रेलवे स्टेशन। इसके अलावा नेवी इज़ यूजिंग इट इन कोचिन। बहुत सारे होटल्स, होटल ग्रुप्स हमारे कस्टमर्स हैं जो कि वेस्ट और साउथ में ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि नॉर्थ में भी लोग उसी तरह की एग्जैक्टली वही मैं कहना चाह रहा था कि दिल्ली के अंदर अभी शायद ये ट्रेंड में नहीं है, बट हाँ इंट्रोड्यूस करने का मतलब यही है कि जब भी हम कोई नई चीज़ लाते हैं तो वो फीडबैक आप लोगों से ही हमें मिलता है कि उसका क्या रिस्पॉन्स है एंड कैसी इसकी ड्यूरेबिलिटी रहेगी, बट फॉर श्योर आपको बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। सो अगर आपको गाइस किसी तरह की कोई भी क्वेरी रहती है तो सर प्लीज़ अपना नंबर शेयर कर दीजिए ताकि डेफिनेटली एज ऑलवेज अरुण आपके चैनल से हमारे को काफ़ी इंक्वायरीज मिलती हैं जी, आप काफ़ी सपोर्ट करते हैं, एंड एज नॉर्मली यूजुअली यू कैन रीच अस ऑन आइदर ऑन वेबसाइट urbanebikes.com urbanebikes.com या आप फ़ोन नंबर पे रीच कर सकते हैं 9999107051। सो गाइज इस नंबर पर आप रीच आउट कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी ई साइकिल से भी रिलेटेड एंड सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर जो कि अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है अर्बन ई बाइक्स पे। सो गाइज आज का एक छोटा सा व्लॉग था आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, एंड अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड दबा दीजिए बेल आइकन को, एंड गाइज प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर कैसा लगा। फिर दोबारा मिलेंगे गाइज एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक देखते रहिए इनफॉर्म ब्लॉग्स। थैंक यू गाइज, थैंक यू।